हे एवरीवन, बॉलीवुड अपडेट्स के साथ मैं सबा खान राही लेके आ गई हूँ द बॉलीवुड टॉक। पूरी तरह झांसी में शूट हुई एआर रहमान की अपकमिंग म्यूजिकल मूवी अटकन चटकन के एक सॉन्ग को अमिताभ बच्चन ने गाया है। झांसी के ही डायरेक्टर स्वामी शिवहरे की ये मूवी 5 सितंबर को जी 5 पर रिलीज होगी। बॉलीवुड की आउटस्पोकन एक्ट्रेस स्वरा भास्कर मुश्किल में फंसने से बच गई हैं। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका को सहमति देने से इनकार कर दिया है, यानी स्वरा के खिलाफ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुद्दे पर कोई याचिका दर्ज नहीं होगी। ईशान खट्टर और अनन्या पांडे की अपकमिंग एक्शन कॉमेडी खाली पीली का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हुआ। हॉलीवुड के सुपरहिट मूवी ब्लैक पैंथर के एक्टर चैडविक बोसमैन ने कैंसर की वजह से 43 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फैन से लेकर बॉलीवुड स्टार्स तक एक्टर को याद करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये सच में बहुत बड़ा लॉस है, बट द शो मस्ट गो ऑन। सो अपकमिंग रिलीजेस की बात करते हैं। सलमान खान की किक 2 नेक्स्ट ईयर विंटर्स में रिलीज होगी। कंगना रनौत की एयरफोर्स पायलट्स पे बन रही तेजस इस साल दिसंबर में रिलीज होगी। डॉली किटी और वो चमकते सितारे सितंबर में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो रही है। अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब इस साल दिवाली पे रिलीज होने वाली है। बिग बॉस फैंस के लिए अच्छी खबर है, शो का सीजन 14 20 सितंबर से पहले ही शुरू हो जाएगा। शो के कंटेस्टेंट्स को 27 अगस्त से मुंबई के अलग अलग होटल्स में क्वारंटीन कर दिया है और वो सिर्फ कोविड टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही बिग बॉस के घर में एंटर कर सकेंगे। ये सीजन कितना मजेदार होता है ये देखते हैं और साथ में एंजॉय करेंगे सारी लेटेस्ट न्यूज ऑन द बॉलीवुड टॉक।